दोस्तों इस गाड़ी को देख के ना मेरे मुंह से मतलब शब्द ही नहीं निकल रहे कि मैं क्या कहूँ यार इस गाड़ी को। मतलब आप देखो यार क्या अजूबा कर दिखाया यार सिट्रोन ने यार। मतलब क्या कहने यार, लुक्स कह लीजिए, डायमेंशन कह लीजिए, भाई पहली बार ऐसा होगा कि आपको 4 मीटर से बड़ी गाड़ी मात्र 8 लाख रुपए एक शोरूम से देखने के लिए मिल जा रही है। भाई स्टार्टिंग प्राइस रेंज 8 लाख रुपए से इसकी स्टार्ट है, यानी 7.99 से, और टॉप मॉडल जो इसका जाता है वो 14 लाख रुपए तक का एक शोरूम जाता है, जो टॉप एंड है बिल्कुल ऑटोमेटिक वाला। ठीक है, अगर वेरियंट्स की बात करें तो इसमें भाई आपको 3 वेरियंट्स देखने के लिए मिलते हैं, यू है, प्लस है, और आपका मैक्स वेरिएंट है। जो वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है ये इसका मैक्स वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है। मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको देखने के लिए मिल रहा है, टर्बो इंजन हमारे सामने खड़ा है भाई। और एक और चीज भाई, इसमें टर्बो में भाई ना मतलब टर्बो तो मिलता ही है, 2 इंजन ऑप्शन है, एक आपका नेचुरली एस्पिरेटेड है, एक आपका टर्बो है। टर्बो में भी आपको 2 प्रकार की पावर मिल जा रही है, 2 प्रकार की पावर कैसे मतलब टॉर्क मिल जा रहे हैं। अगर आप इसका नेचुरली एस्पिरेटेड लेंगे तो उसमें तो आपको भाई 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलता है, बट अगर आप इसका टर्बो लेते हैं, अगर आप वो मैनुअल में ले रहे हैं तो 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, और अगर आप उसे ऑटोमेटिक में लेते हैं तो 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देखने के लिए मिल जाता है। भाई लुक्स में तो गाड़ी के क्या कहें। अब बहुत सारे लोग होंगे इसे कंपेयर करोगे भाई किससे, टाटा की जो कर्व गाड़ी है। मैं कहूंगा भाई करो, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, कर लो, लेकिन ये उसके कंपैरिजन में नहीं है। हाँ बट मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो लोग टाटा कर्व में जाएंगे ना 13 लाख रुपए की, वहां पे ये आपको स्टार्टिंग प्राइस रेंज 8 लाख रुपए में देखने के लिए मिल जा रही है। कूपे डिजाइन, एक ये एसयूवी कूपे आपके सामने खड़ी है, एसयूवी है कम कूपे डिजाइन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आज डिटेल से बात होगी भाई इस गाड़ी के बारे में कि भाई क्या फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जा रहे हैं, क्या प्राइस रेंज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, तो डिटेल से बात होने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कमेंट और शेयर तो बनता है, साथ ही साथ भाई अगर वीडियो में आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट मिलते रहेंगे। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे इस गाड़ी की एक शोरूम वैल्यू से, वो भाई मायने रखती है। कोई भी चीज खरीदने जाओ एक शोरूम, किसी भी चीज की प्राइस वैल्यू जानना जरूरी रहता है, तभी आप उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं फिर बात करते हैं। तो इसका एक शोरूम वैल्यू यहाँ पे आपको 12,49,000 का देखने के लिए मिल जाता है, जो ऑन रोड आते आते आपको 14.5 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड देखने के लिए मिल जाती है। जो इंजन वेरियंट हमारे सामने खड़ा भाई, ये मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, टर्बो में देखने के लिए मिलता है, गाड़ी का नाम मैक्स है, टॉप एंड वेरिएंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, डुअल टोन में देखने के लिए मिल जाता है आपको। फ्रंट से पहले बात करेंगे भाई चौड़ाई की, तो यहाँ पे आपको 1765 mm की चौड़ाई देखने के लिए मिल जाती है, और कहीं ना कहीं जो फ्रंट का लुक फेसिया है ना, मतलब वही वाई शेप वाले आपको यहाँ पे DRLs देखने के लिए मिल जा रहे हैं, जो आपको इसके C3 और Aircross में भी देखने के लिए मिलते हैं। हेडलैम्प असेंबली में भी बात करेंगे तो यहाँ पे आपको भाई LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाते हैं, लो बीम हाई बीम यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और जो इंडिकेटर की बात करेंगे तो वो आपको यहाँ DRLs के पीछे देखने के लिए मिल जाते हैं, और इसके पीछे आपको यहाँ पे पार्किंग लाइट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। ग्रिल पोर्शन में बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक में देखने के लिए मिलता है, जिसके ऊपर से आपको यहाँ पे देखेंगे तो क्रोमिंग का इंसर्ट मिलेगा, जो आपके लोगो से कनेक्टेड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे ग्रिल पोर्शन में बात करेंगे तो काफी ब्रॉड में आपको देखने के लिए मिलती है, जो गाड़ी के लुक्स को काफी एनहेंस करती है, ग्लॉसी में मिलती है, और आउटर से आपको यहाँ पे क्रोमिंग का वर्क भी देखने के लिए मिलता है। सिल्वर कलर में स्किड प्लेट का ऑप्शन मिल जाएगा। फॉग लैंप्स की अगर बात करेंगे तो भाई ये आपको हेलोजन में ही देखने के लिए मिलते हैं। DNA कहीं ना कहीं गाड़ी का सेम रखा गया है, जब आप गाड़ी के हुड से थोड़ा सा नीचे को आते हैं तो आपको सेम एज इट इज वही C3 और Aircross वाला लुक यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। हुड में अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको वही कर्टेन क्रीजेस देखने के लिए मिलते हैं, जो गाड़ी के लुक्स को और एनहेंस यहाँ पे करते हैं। और अगर साइड प्रोफाइल से चलते हैं तो भाई ये देखिए भाई, मतलब ना आप आगे से देखो या पीछे से देखो, मतलब DNA तो सेम दे रखा है आगे से भी, लेकिन थोड़ा सा लुक इसका जो चेंज कर रखा ना, ग्रिल पोर्शन जो नीचे बम्पर सेक्शन में आप देखते हो उसमें देख के मजा आ जाता है। फिर यहाँ पे आप देखिए भाई साइड पोर्शन से, अरे यार लंबगनी उरुस लग रही है, उरुस का बच्चा लग रहा है छोटा वाला, और प्राइस रेंज देख के तो मजा ही आ गया भाई। मतलब यार जो लोग, मैं मतलब इस सेगमेंट में आपको बहुत सारी गाड़ियां देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे कि इस प्राइस रेंज में, मतलब 7-8 लाख की प्राइस रेंज में सोनेट है, वेन्यू है, एक्सर है, पंच है, फ्रॉन्क्स है, मतलब काफी सेगमेंट आपके सामने है। लेकिन भाई अगर आप 4 मीटर से बड़ी गाड़ी देखना चाहते हैं तो भाई आप बसाल्ट को एक बार जरूर देखिएगा भाई, मजा आ जाएगा आपको। मतलब लुक्स में तो भाई क्या कहने, मजा मतलब क्या ही कहूँ यार, छोड़ो हटाओ। और अगर हाँ इसकी लंबाई की बात करूँ तो भाई 4352 mm की ओवरऑल लंबाई यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। ओवरऑल हाइट की भी बात करेंगे तो भाई अच्छी खासी ओवरऑल हाइट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, 1593 mm की भाई। और साइड में खड़े ना भाई तो भाई टायरों में नजर कैसे नहीं जाएगी भाई, प्यारे से ब्यूटीफुल से यहाँ पे आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं भाई। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ही देखने के लिए मिलते हैं। और अगर टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो 205/60/R16 का टायर प्रोफाइल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है आपको। फेंडर में क्लैडिंग वाला पार्ट आपको मिल जाएगा, जो आपको यहाँ पे रनिंग बोर्ड में भी देखने के लिए मिलता है। डोर्स में आपको साइड बिडिंग भी देखने के लिए मिल जाएगी, क्रोमिंग का इंसर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है।
ओवीएम में अगर बात करेंगे तो ग्लॉसी ब्लैक में देखने के लिए मिलते हैं। एलईडी टर्न इंडिकेटर्स नहीं है भाई, हेलोजन इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और जो ए प्लस आते हैं यहाँ आपको मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलते हैं। रूफ ऊपर से पूरी ब्लैक में आपको देखने के लिए मिल जाएगी भाई, क्योंकि डुअल टोन है तो भाई ब्लैक में तो मिलना जाहिर सी बात है। एक चीज यहाँ पे मुझे लगी कि इस चीज को भी यहाँ पे इन्होंने चेंज करना चाहिए था, ये जो इसके डोर हैंडल्स हैं, मतलब कि ये वही पुराना वाला फील, ओल्ड स्कूल वाला फील यहाँ पे जरूर आपको कराते हैं। गाड़ी का डिजाइन इतना प्यारा सेक्सी सा है भाई, ये डोर हैंडल यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ना पुराना वाला फील करा देते हैं, बस यहीं पे एक चीज ये लगी। बी प्लस की अगर बात करेंगे तो आपको मैट ब्लैक में देखने के लिए मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी आप चेकआउट करेंगे तो भाई ये यहाँ पे भी आपको एक पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है, हल्का सा डिजाइन देखने के लिए मिल जाता है। और को ड्राइवर साइड आपको इसका फ्यूल टैंक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी कैपेसिटी आपको 45 लीटर की देखने के लिए मिलती है। व्हील बेस की बात करेंगे तो भाई सेगमेंट में सबसे बढ़िया व्हील बेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, यानी 2651 mm का, जिस वजह से आपको कैबिन के अंदर स्पेस काफी अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर भाई यहाँ पे बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो भाई वो भी आपको 180 mm का यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। मतलब गाड़ी को अगर चारों तरफ से भी देखे ना तो भाई मजा ही करती है, मतलब एक रोड प्रेजेंस तो इस गाड़ी में निकल के आती है। और अगर पीछे से बात करेंगे तो भाई ये देखिए क्या बात है पीछे से देखने में, भाई जितनी सुंदर आगे से उतनी सुंदर पीछे से भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। सेंटर में आपको यहाँ पे सिट्रोइन का लोगो देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे सिट्रोइन की बैजिंग मिल जाएगी, बसाल्ट की बैजिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है क्रोमिंग में, और यहाँ पे आपको भाई प्योर टेक की बैजिंग देखने के लिए मिलती है। टेल लैंप्स की अगर बात करेंगे तो भाई ये सेक्शन पूरा आपको यहाँ पे एलईडी में देखने के लिए मिलता है याला, और यहाँ पे आपको भाई एलईडी में इंडिकेटर है, रिवर्स लैंप आपको एलईडी में देखने के लिए मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। बंपर सेक्शन में बात करेंगे तो भाई पार्किंग सेंसर्स 2 ही पॉइंट में देखने के लिए मिलते हैं, रिवर्स कैमरा पॉइंट भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, डिफ्यूजर वाला पार्ट यहाँ पे आपको भाई सिल्वर कलर में देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर काफी नीचे यहाँ पे आपके इसके प्लेस किए गए हैं। बूट में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको भाई सॉफ्ट टच ओपनिंग मिल जाती है, और भाई ये देखो बूट मैजिक तो यहाँ पे दिखता है भाई, कितना बड़ा बूट है, 470 लीटर का देखने के लिए मिल जाएगा, काफी बड़ा बूट स्पेस मिलता है। स्टेपनी की बात करेंगे तो वो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से मिलती है, स्टील व्हील रिम में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पे पार्सल ट्रे का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। बूट में बाकी कुछ इतना ही है, और बूट को करते हैं बंद यहाँ से, और यहाँ पे देखेंगे तो आपको शार्क फिन एंटीना भी है, और डिफॉगर भी यहाँ पे प्लेस किया गया है, हाई माउंट स्टॉप लाइट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। और बाकी ड्राइवर साइड से आएंगे तो सेम एज इट इज वही है जो आपने को ड्राइवर साइड से यहाँ पे गाड़ी देखी थी। गाड़ी के अंदर चलते हैं, इतना लेट क्यों करें, और दरवाजा खोलते हैं फटक से तो ये देखिए भाई क्या बात है, डुअल टोन में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता पूरा इंटीरियर, क्या बात है भाई। ये ही जो एक लग्जीरियस फील यहाँ पे कराता है वो है ये इसके लेदराइट सीट्स जो यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है ना, व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में, ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, मतलब डुअल टोन जो आपका एक निखर के आ रहा है, रिची रिच टोन यहाँ पे आपको फील कराता है, प्रीमियमनेस फील कराता है। सबसे पहले बात करेंगे भाई डोर में, तो यहाँ पे आपको देखिए सॉफ्ट टच मिल जाएगा लेदराइट में, 4x4 पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं, जो आपको 1 टच डाउन 1 टच अप मिलते हैं 4x4। यहाँ पे भी आपको ग्लॉसी ब्लैक का पैटर्न मिल जाएगा, यहाँ पे बॉटल होल्डर स्पेस है, मैप पॉकेट आपको मिल जाएगी, स्पीकर्स की प्लेसिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। और भाई यहाँ पे सीट्स में बात करेंगे तो आपको लेदराइट अपहोल्स्ट्री मिलती है, और यहाँ पे बैक वाले में देखेंगे तो यहाँ पे आपको फैब्रिक देखने के लिए मिल जाता है। 6 एयरबैग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो एज अ स्टैंडर्ड फीचर आपको देखने के लिए मिलते हैं, काफी सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इसमें एज अ स्टैंडर्ड फीचर देखने के लिए मिलते हैं। सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको हाइड्रोलिक में मिल जाएगा, फ्यूल टैंक का लीड ओपन आप यहाँ से कर सकते हैं, गाड़ी का हुड ओपन आप यहाँ से कर सकते हैं, बाकी यहाँ से आप हेडलैम्प लेवलर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग का बटन आ जाता है विंडो का, और यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा, ओवीएम इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको एसी वेंट मिल जाएगा जिसके आउटर में आपको ग्लॉसी ब्लैक का वर्क है, और यहाँ पे हल्का सा पैटर्न थोड़ा सा डिजाइन आपको चेंज देखने के लिए मिलता है। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं। ओ तेरी, अरे भाई कितनी सॉफ्ट सीट है भाई, पीछे करता हूँ इसे, ओ भाई सीट की कुछ नहीं, मैं तो मजा आ गया यार। तो ये देखिए भाई एक बारी को इसका इंटीरियर, मतलब अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ देख के प्रीमियमनेस फील होता है जो आप सीट्स में देखते हैं, बट जब आप यहाँ पे डैशबोर्ड वाली साइड में देखते हैं ना तो आपको वही वाली फीलिंग कराएगा जो आपको सिट्रॉन C3 और एयर क्रॉस में देखने के लिए मिलती है। वही म्यूजिक सिस्टम आपको मिलेगा 10.25 इंच का, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। एक चीज इसमें एडिशनल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, वो है भाई यहाँ पे आपको कार कनेक्टिविटी के फीचर्स। उसी के जस्ट नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको एसी वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं भाई, और इनके आउटर में भी आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको क्रोमिंग का वर्क देखने के लिए मिलेगा, ये पूरा पैटर्न ग्लॉसी ब्लैक का मिलता है। डैशबोर्ड में 3-4 कलर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे ये व्हाइट कलर है, यहाँ पे आपको सिल्वर सा पैटर्न मिल जाता है, इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर सकते थे जिसमें कि आप यहाँ पे कुछ चीज प्लेस कर सकते थे, लेकिन चलो ठीक है। फिर ये वाला पैटर्न आपको थोड़ा सा अलग कलर में देखने के लिए मिल जाएगा, ऊपर से आपको ये पूरा ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलता है भाई। फिर यहाँ बात करेंगे तो एसी यहाँ पे आपको ऑटो क्लाइमेटिक कंट्रोल में देखने के लिए मिल जाएगा, हैजर्ड लैंप का बटन यहाँ पे है, यहाँ पे आपको टाइप ए का पोर्ट मिलेगा, और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का अडैप्टर सॉकेट भी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फोन रखने के लिए प्लेस मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, नीचे भी आपको एक प्लेस मिल जाता है, यहाँ पे आपको टू कप होल्डर
मिल जाएंगे, यहाँ पे भी आपको एक प्लेस मिल जाएगा जहाँ पे आप की वगैरह पॉकेट की वगैरह स्टोरेज कर सकते हैं। मतलब यूटिलिटी का स्पेस तो काफी अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पे भी अगर बात करेंगे तो ये देखिए भाई, ओहो क्या बात है भाई, यहाँ पे भी आपको यूटिलिटी स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है विद ऑर्गेनाइजर के साथ मिलेगा। और भाई ग्लो बॉक्स तो लंबा काफी देखने के लिए मिल जा रहा है भाई आपको। और फिर यहाँ बात करेंगे तो भाई गियर, ओहो सब चीज तो मुझे सही लगी भाई। ये गियर नॉब थोड़ा सा और स्टाइलिश दे सकते थे यार, जिस तरीके से गाड़ी दी है तो थोड़ा सा गियर नॉब भी और प्रीमियम दे देते। बाकी हाँ यहाँ पे आपको भाई ये टर्बो इंजन है तो इसमें आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन में गियर नॉब देखने के लिए मिलता है। अगर आप इसका नॉन टर्बो लेंगे यानी नेचुरली एस्पिरेटेड लेंगे तो उसमें आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन का देखने के लिए मिलता है। आउटर से यहाँ पे आपको देखिए सिल्वर कलर का पैटर्न देखने के लिए मिल जाएगा भाई। आर्म रेस्ट ये आपको स्लाइडेबल में देखने के लिए मिलता है और ये आपको स्टोरेज के साथ भी देखने के लिए मिलेगा भाई कुछ इस तरीके से। स्टेयरिंग व्हील की बात करेंगे तो भाई ये देखिए फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मिलता है, लेदर रैप में मिल जाएगा, सिट्रोइन की बैजिंग क्रोमिंग में देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ पे आपको सिल्वर वाला पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको म्यूजिक के कंट्रोल्स, ये वाले क्लस्टर के कंट्रोल्स हैं, इधर साइड वाले आपको म्यूजिक के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं। बाकी यहाँ पे आपको भाई लेफ्ट हैंड साइड में वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, राइट हैंड साइड में आपको हेडलैम्प और इंडिकेटर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं। स्टेयरिंग व्हील की बात करूंगा तो टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। क्लस्टर कैसा मिलता है तो भाई ये देखो सिट्रोइन बैजिंग, ओहो डिजिटल क्लस्टर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा डल फील नहीं हो रहा, जो इसकी थीम है कि मतलब आप देखेंगे तो हल्का सा ग्रेश में डल वाला फील आ रहा, थोड़ा सा और डार्क कर सकते थे, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, इम्प्रूव हो सकता था। बाकी यहाँ पे से आप इसे इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये आपका आरपीएम, ये इको मोड हो गया, ये आपका बाकी यहाँ पे स्पीड वगैरह दिखाएगा, ये बाकी ऐसे आपको दिखाता है डिस्टेंस वगैरह, ये सारी चीजें ट्रिप ट्रिप भी। ये आपका टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा और ये आपको स्पीडोमीटर यहाँ पे सेंटर में देखिए किस तरीके से दिखा रहा है। बाकी डेड पेडल वगैरह यहाँ पे आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। और यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो भाई मैनुअली एडजस्टेबल आईआरवीएम है, यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप का ऑप्शन हेलोजन में मिल जाएगा, माइक की प्लेसिंग्स हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली सनवाइजर है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब अगर बात करूं कंफर्ट की तो भाई ये देखो हेडरूम स्पेस तो अच्छा खासा है जिसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज भाई सीट्स की कुशनिंग लाजवाब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है भाई, काफी सॉफ्ट है। अंडर थाई सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो भाई वो भी ठीक ठाक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। सीट्स की पीछे से जो आप देखेंगे तो चौड़ाई वो भी आपको अच्छी खासी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो भाई ये तो था कुछ इसका फ्रंट का, बात करते हैं इसकी रियर की सीट्स की, देख लेते हैं वहाँ क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है। तो भाई जैसे ही मैं रियर का डोर खोलता हूँ तो भाई सेम पैटर्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा जैसा फ्रंट डोर में देखा था। ये आपको देख सॉफ्ट टच मिल जाएगा, लेदर राइट में पावर विंडो का स्विच है, डोर हैंडल यहाँ पे वही सिल्वर फिनिशिंग में मिल जाएंगे, बॉटल होल्डर स्पेस है, यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक का पैटर्न मिल जाएगा, स्पीकर्स की प्लेसिंग है। बाकी भाई रियर से इंटीरियर आपको कुछ यूं देखने के लिए मिलता है। चलिए चलिए बैठ के देखते हैं भाई देर ना करते हुए, और ये बैठते क्या बात है भाई। और यहाँ पे आपको भाई ये देखिए मैगजीन पॉकेट मिल जाएगी, यहाँ पे भी मैगजीन पॉकेट मिल जाती है। रियर में एसी वेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, दो टाइप ए के पोर्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको भाई रीडिंग लैंप का ऑप्शन मिल जाएगा हेलोजन में, ग्रैबिंग हैंडल मिलता है, यहाँ पे भी ग्रैबिंग हैंडल मिलेगा, कोट हैंकर नहीं मिलते हैं यहाँ पे। और भाई ये रियर के जो हेडरेस्ट है ना ये भी आपको एडजस्टेबल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और सबसे अच्छी चीज ना भाई ये देखिए डिजाइन, मतलब अच्छे से आपको सर को होल्ड कर सकते हैं, काफी कंफर्टेबली फील होगा आपको यहाँ पे जब आप रियर सीट्स में बैठते हैं। आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे फोन रखने की प्लेसिंग है, यहाँ पे आपको टू कप होल्डर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। कंफर्ट की बात करेंगे तो भाई मैं क्या कहूं, ये देखो भाई मतलब कुशनिंग इतनी सॉफ्ट है ना यार, वो तो भाई ये टॉप एंड वेरिएंट में मिल रही है या इसके लोअर एंड्स में भी आपको यही सॉफ्टनिंग मिलती है, यही कुशनिंग आपको मिलती है वो मुझे मालूम नहीं, वो तो जब आएंगे मैं उनका वीडियो बनाऊंगा तब पता चलेगा भाई उसमें कैसी कुशनिंग आपको देखने के लिए मिलती है। बट भाई टॉप एंड में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको कुशनिंग काफी अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाएगी। और मैं ये भी चीज कहूंगा भाई 14.5 लाख रुपए में आपको टॉप एंड वेरिएंट मिल रहा है, बेहतरीन फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जा रहे हैं भाई। तो सेल्टोस क्रेटा वगैरह ये क्या देखना यार, ये देखो ना भाई, मतलब लुक्स में भी वाह ही है और भाई फीचर्स भी आपको ठीक ठाक यहाँ पे देखने के लिए मिल ही जाते हैं। और हेडरूम स्पेस तो देखो भाई अच्छा खासा मिल ही रहा है। तो भाई ये तो था कुछ अब इसका इंटीरियर, अब बात करते हैं इसके इंजन वे की, देख लेते हैं इंजन में क्या क्या चीज आपको देखने के लिए मिलती है। चलो भैया चलते हैं। ओहो तो भाई ये है कुछ इसका इंजन, अगर इंजन की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको मिलता है 1200 सीसी का टर्बो इंजन देखने के लिए मिल जा रहा है, नेचुरली एस्पिरेटेड भी आपको देखने के लिए मिलता है। बट इसके इंजन में ना कुछ चीजें चेंजेस हैं, जैसे कि पावर तो आपको जो दो इंजन मिलते हैं उसमें दोनों में सेम मिलेगी लेकिन टॉर्क में फर्क हो जाता है भाई। अगर नेचुरली एस्पिरेटेड लेंगे तो 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और अगर आप टर्बो लेते हैं तो भाई यहाँ पे आपको मिलता है 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और अगर ऑटोमेटिक में लेंगे तो भाई दो मिलता है आपको 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो मतलब पावर तो सेम है लेकिन टॉर्क में आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी फीचर्स की बात करें
करेंगे तो भाई ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल कंट्रोल जैसे तमाम फीचर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जो आपका एज अ स्टैंडर्ड फीचर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। और अगर नीचे से देखेंगे तो भाई इंजन खुला खुला आपको मिल जाएगा, पीछे से आपको इंसुलेशन का वर्क मिलता है, हुड में भी आपको इंसुलेशन का वर्क यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। वारंटी भाई यहाँ पे आपको वही 2 साल 50,000 किलोमीटर की देखने के लिए मिलती है, जिसे आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं। तो भाई ये तो था कुछ इसका इंजन, अब कर लेते हैं एक फाइनल वॉक अराउंड। तो दोस्तों हमने बात करी यहाँ पे इस गाड़ी के बारे में जो हमारे सामने खड़ी है भाई, चमचमाती हुई बसाल्ट भाई, मतलब कहूँ तो भाई पहली नजर में दिल आ गया इस गाड़ी में। और दिल इसलिए भी आया क्योंकि भाई प्राइस रेंज जो मिल रही है ना भाई, जबरदस्त प्राइस रेंज में आपको एक कूपे डिजाइन गाड़ी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, मतलब कूपे SUV कूपे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों ये गाड़ी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो भाई प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ भाई, जो लोग न्यू व्यूवर्स हैं जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।